सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देखेंगे, वोकैब का सेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में वोकैब का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वोकैब जानेंगे तो हम सारे वर्ड मीनिंग जानेंगे, उसके अर्थ जानेंगे, तो अर्थ जानते हैं तो हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड मीनिंग है ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक। मीनिंग क्या? इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़ और मेथड, इनोवेटिव और पायनियरिंग। क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़ और मेथड, इनोवेटिव और पायनियरिंग। ये क्या? ट्रेवलिंग का मीनिंग हुआ, यानी अर्थ क्या होता है? नए विचार या विविधियों का परिचय, अभिन या अग्रणी। सिनोनिम क्या? इनोवेटिव हुआ। क्या हुआ? इनोवेटिव हुआ। रेडिकल हुआ। एंटोनिम क्या है? कंजर्वेटिव हुआ। क्या हुआ? कंजर्वेटिव हुआ। तो इसका हम ट्रेलवेजिंग पथ प्रदर्शक का सिनोनिम क्या देखें? इनोवेटिव देखें, और क्या देखें? रेडिकल देखें। एंटोनिम क्या है? कंजर्वेटिव हुआ। अगले वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड मीनिंग है प्रोटेक्टर मतलब क्या होता है? लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। मीनिंग क्या? लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, यानी लॉन्ग लास्टिंग क्या करता है? फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। तो अर्थ क्या है? लंबे समय तक या अपेक्षित या समान से अधिक समय तक चलने वाला। तो साइनोनियम देखते हैं। तो साइनोनियम क्या? प्रोलॉन्ग हुआ, एक्सटेंडेड हुआ। क्या हुआ? प्रोलॉन्ग हुआ, एक्सटेंडेड हुआ। एंटोनियम क्या? कर्टेल हुआ, शॉर्टन हुआ। क्या हुआ? कर्टेल हुआ, शॉर्टन हुआ। तो प्रोटेक्टेड मतलब लंबा होता है, इसका साइनोनियम हुआ प्रोलॉन्ग हुआ, एक्सटेंडेड हुआ। एंटोनियम क्या? कर्टेल हुआ, शॉर्टन हुआ। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है इनफेवरेबल मतलब क्या होता है? प्रशंसातीत। मीनिंग है कि टू ग्रेट और एक्सट्रीम शू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब इन वर्ड टू बी। तो इसका शब्दों में व्यक्त या वर्णित होने के लिए बहुत बढ़िया या चरम। सिनोनिम क्या? इनएक्सप्रेसिबल है। क्या होता है? इनएक्सप्रेसिबल होता है, इनडिस्क्राइबल होता है, मार्वलस होता है, वंडरफुल होता है। क्या होता है? इनएक्सप्रेसिबल होता है, इनडिस्क्राइबल होता है, मार्वलस होता है, वंडरफुल होता है। एंटोनिम क्या? डिफाइनेबल होता है, डिस्क्राइबल होता है, अटरलेबल होता है, अटरेबल होता है। तो इस वर्ड मीनिंग से हम क्या सीखें? इनएफेबल से प्रशंसातीत। प्रशंसातीत का सिनोनिम क्या? इनएक्सप्रेसिबल होता है, इनडिस्क्राइबल होता है, मार्वलस होता है, वंडरफुल होता है। एंटोनिम क्या देखें? तो डिफाइनेबल देखें, डिस्क्राइबेबल देखें, अटरेबल देखें। अगला जो बर्ड मीनिंग है हार्पिंग मतलब गाना गाना। मीनिंग क्या? टॉक और राइट परसिस्टेंटली एंट्रोडसली ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। क्या होता है? टॉक और राइट परसिस्टेंटली एंट्रोडसली ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी विशेष विषय पर दृढ़तापूर्वक बात करना या लिखना। तो साइनोनिम देखते हैं। तो साइनोनिम क्या? ड्वेल हुआ, रेट्रेच हुआ, रिपीट हुआ। क्या होता है? ड्वेल हुआ, रेट्रेच हुआ, रिपीट हुआ। एंटोनिम क्या? फॉरविड हुआ, फियरफुलनेस हुआ। क्या हुआ? फॉरविड हुआ, फियरफुलनेस हुआ। तो हम हार्पिंग का अर्थ जान गए। इसका ड्वेल, रेट्रेच, रिपीट, ये इसका क्या हुआ? साइनोनिम हुआ। जो अगला हमारा वर्ड है रीलिटरेटिंग मतलब मुकदमेबाजी। क्या होता है? मुकदमेबाजी। मीनिंग क्या? टू डिस्प्यूट डिबेट कंटेस्ट अगेन। तो क्या होता है? टू डिस्प्यूट डिबेट कंटेस्ट अगेन, यानी विवाद करना, बहस करना, फिर से चुनाव लड़ना। तो इसका सिनोनिम देखते हैं। तो प्रोसिक्यूट हुआ, डिस्प्यूट हुआ। एंटोनिम क्या? एग्री हुआ। क्या होता है? प्रोसिक्यूट हुआ, डिस्प्यूट हुआ। एंटोनिम क्या? एग्री हुआ, यानी रीलिटिगेटिंग का मतलब मुकदमेबाजी होता। अगला जो हमारा वर्ड है पोटेंट मतलब क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। मीनिंग क्या? हैविंग एन अबंडेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी अस फेवर, यानी कुछ विशिष्ट गुणों की प्रचुरता होना, स्वाद के रूप में कह सकते हैं। सिनोनिम क्या? विगोरियस हुआ। क्या हुआ? विगोरियस हुआ। इन्फ्लुएंशियल हुआ, कंपेंटमेंट हुआ। क्या होता? विगोरियस हुआ, इन्फ्लुएंशियल हुआ, कंपेंटमेंट हुआ। एंटोनियम क्या? इनइफेक्टिव हुआ। क्या हुआ? इनइफेक्टिव हुआ, इनसिग्निफिकेंट हुआ। ये था एंटोनियम। अगला जो है इंट्रेंसिगेंस मतलब हट होता है, कट्टरता होता है। मीनिंग क्या? रिफ्यूजल टू चेंज। क्या होता है? रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग। क्या होता है? रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यूज और एग्री टू समथिंग। तो किसी के विचारों को बदलने या किसी चीज़ के बारे में सहमत होने से इनकार करना। तो सिनोनिम क्या? इनफ्लेक्सिबिलिटी है। क्या इनफ्लेक्सिबिलिटी है? स्टबबोर्न है, ऑब्स्टिनेसी है। क्या होता है? इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, स्टबबोर्न होता है, ऑब्स्टिनेसी होता है। तो ये किसका सिनोनिम था? तो ये था इंट्रेसिगेंस। इंट्रेसिगेंस मतलब हट होता है, कट्टर होता है। अगला जो वर्ड है हमारे लिए डिबेस मतलब क्या होता है? अवमूल्यन। क्या होता है? अवमूल्यन करना। मीनिंग क्या? रिड्यूस समथिंग इन क्वालिटी और वैल्यू। रिड्यूस समथिंग इन क्वालिटी और वैल्यू यानी डिग्रेड बोलते हैं। तो अर्थ क्या होता है? गुणवत्ता या मूल्य में कमी।
कुछ नीचा साइनोनिम क्या होता है, डिग्रेड होता है, क्या होता है डिग्रेड होता है, डिमेन होता है और डिसग्रेस होता है, अंडरमाइन होता है। एंटोनिम क्या है, एनहेंस हुआ। तो इसका बर्ड मीनिंग क्या सीखा, जो डेवेस हुआ मूलन करना, इसका साइनोनिम क्या, डिग्रेड हुआ, क्या होता है डिग्रेड हुआ, डिमेन हुआ, डिसग्रेस हुआ, अंडरमाइन हुआ। जो अगला जो हमारा बर्ड है स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है शांत होता है, क्या होता है शांत होता है, मीनिंग क्या है, मार्क्ड बाय सेटल सेडेटनेस एंड ऑफन प्रीम सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो स्टेट का मतलब शांत होना, यानी सुलझी हुई उदासीनता और अवसर आत्मसंयम दोबारा चिन्हित करना। साइनोनिम क्या, डिग्निफाइड हुआ, क्या हुआ डिग्निफाइड हुआ, कंपोस्ट हुआ, एयरनेस्ट हुआ, ग्रेव हुआ, ह्यूमरलेस हुआ, नॉनसेन हुआ। एंटोनिम का इंडेकोरस हुआ, इंडिकोरस हुआ, फ्रिवोलस हुआ, हिलेरियस हुआ। तो इस बर्ड मीनिंग सब क्या सीखे हैं कि स्टेट मतलब क्या होता है शांत होना, यानी डिग्निफाइड हुआ, कंपोस्ट हुआ, अर्नेस्ट हुआ, ग्रेव हुआ, ह्यूमरलियस हुआ, नॉनसेंस हुआ। एंटोनिम क्या, इंडेकोरस हुआ, फ्रिवोलस हुआ, हिलेरियस हुआ। अगला जो हमारा बड़ा है न्यूरोसिस, न्यूरोसिस मतलब क्या होता है विक्षिप्त, क्या होता है विक्षिप्त होता है, ए मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर डेट इफेक्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। क्या होता है, मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर डेट अफेक्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, यानी एक मानसिक और भावनात्मक विकार जो व्यक्ति के केवल हिस्से को प्रभावित करता। तो साइनोनिम देखें तो अवेरेशन हुआ, डिमिनेशिया हुआ, हेलुनेकेशिया हुआ, हाइपोनेमिया हुआ, पैरानोमिया हुआ। और एंटोनिम का लिक्विडिटी हुआ, रैशनलाइजी होता है, रैशनलाइज हुआ, रीजनेबिलिटी हुआ। तो इस बर्ड मीनिंग से क्या सीखे हैं, एवरेशन देखें, डिमेंटिया देखें, हेलुकिनियस देखें, हाइपोमेनिया देखें, पैरानुआ देखें। एंटोनिम का लिसिडिटी हुआ, रैशनलाइजी हुआ था, रैशनलाइज हुआ था, रीजनेबिलिटी हुआ। तो ये था आज का हमारा अंतिम बर्ड, आपको मेरे बर्ड मीनिंग से थोड़ा भी फायदा होता है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमेंट में सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।